दोस्तों, हम लोग अपने परिजनों के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देते हैं। भगवान करे आप 100 वर्ष जिए। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, आप जियो हजारों साल। अब सवाल आता है कि जिया कैसे जाए। इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी प्रत्येक क्रियाओं और घटनाओं का हमारी सांस से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। आप सांस की गति बहुत धीमी करके किसी पर क्रोध करके देखिए, आप कर ही नहीं सकते। दोस्तों, क्रोध के लिए सांस की गति का तेज होना आवश्यक है। खाना पीना, सोना, चलना, बात करना, आराम करना, व्यायाम करना, काम करना, क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा, ईर्ष्या, यानी हम जो कुछ भी करते हैं उसे करते समय हमारी सांसों में बदलाव आ जाता है। सांस लेते और छोड़ते समय हमारी सांसों में एक एक करके 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश प्रवाहित होता रहता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हर कोई गिनी हुई सांस लेकर इस दुनिया में आता है, लेकिन हम बगैर किसी हिसाब के सांसों को खत्म करते रहते हैं। ध्यान ही नहीं देते कि कब हम कितनी सांस खर्च कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कि सांस ही सब कुछ है, इसी से जीवन है। सांस खत्म तो हम भी खत्म। दोस्तों, सांस की गिनती जितनी कम होती है हमारा जीवन उतना ही लंबा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है और उसकी औसत आयु 100 साल मानते हैं। एक खरगोश 1 मिनट में 38 बार सांस लेता है, उसकी औसत आयु 8 साल होता है। एक बंदर 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है, उसकी औसत आयु 10 साल होती है। कुत्ता 1 मिनट में 28 बार सांस लेता है, उसकी औसत आयु 12 साल होता है। कछुआ 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है, उसकी औसत आयु 6 साल होता है। दोस्तों, आपने देखा कि जिसने 1 मिनट में जितनी बार अधिक सांसें लिया उसका आयु कम होता है, और जिसने सबसे कम बार सांसें लिया उसका आयु अधिक होता है। दोस्तों, अब ये नहीं करना है कि खाली बैठकर सिर्फ सांसें लेते रहें और आपकी आयु बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर हम शरीर के अंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह शिथिल पड़कर कमजोर हो जाएगा, बीमारी पैदा हो जाएगी। बीमार होने पर सांसों का वेग बढ़ जाता है, इसीलिए एक्सरसाइज और परिश्रम करना जरूरी है, बट एक सीमा के भीतर, उतना ही जिससे शरीर स्वस्थ रहे। दोस्तों, चीन में 165 साल के एक व्यक्ति से जब उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो वह बस 2 ही बातें बोला। पहली कि वह नाभि तक पूरी सांस लेता है और पूरी सांस छोड़ता है। दूसरी, वह अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखता है। दरअसल मामूली लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में भी ऐसे कई संत हुए जो 250 साल तक स्वस्थ रहकर जीवित रहे। इसका एग्जाम्पल है देवराहा बाबा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।